कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत नए साल में हर गली हर मोहल्ले मोहब्बत की दुकान खोलने का स्लोगन दिया है। इस पर बीजेपी पलटवार में जुट गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को साथ में रखकर मोहब्बत की दुकान नहीं खोली जा सकती। शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने हमला ना बोला हो। इस बार राहुल गांधी का स्लोगन बीजेपी के निशाने पर है। इन दिनों राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए यह स्लोगन दिया जा रहा है कि नए साल में पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। इसे राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी को यदि देश में मोहब्बत का पैगाम देना है तो उन्हें स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार जैसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद ही मोहब्बत का पैगाम जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नफरत के शोरूम साथ में लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार के अलावा स्वरा भास्कर भी शामिल हो चुकी हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि जिस प्रकार राहुल बाबा आलू से सोना नहीं निकलता, उसी तरह नफरत फैलाने वालों को साथ लेकर घूमने से मोहब्बत का पैगाम जनता के बीच नहीं जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है। जब यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी थी उस समय भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लगातार राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाए थे।